सब कुछ बाबा के हाथ में है, वो जब चाहे जिसको चाहे एक तरफ फेंक सकते हैं। अपनी मर्जी से कोई उनसे कुछ भी नहीं ले सकता, फिर वो चाहे उनकी सगी औलाद ही क्यों ना। मुझे तो पहले से अंदाजा था इस सब का कि पापा ने इसीलिए सब कुछ अपने होल्ड में रखा हुआ है। तुम दोनों की तो हैसियत उनकी कंपनी में मुलाजिम से ज्यादा नहीं है, चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लो कुछ नहीं बदलने वाला। मैं उस ऑफिस की शक्ल नहीं देखना चाहता, जानती हूँ सबके सामने मेरे पापा ने मेरी कितनी इंसल्ट की। अगर ऐसा तुम इस तरह से रूठ कर तो नहीं बैठ सकते ना, कुछ तो करना पड़ेगा तुम्हें। तो क्या करूं, क्या करूं, जाकर पांव पकड़ लूं उनके। तुमने लॉयर से बात की है ना, कोई मशवरा तो दिया होगा उसने। हाँ बताया उसने, हल दो ही हल, या तो वाले साहब की मेहनत समाजित की जाए या फिर कोर्ट। असद तुम और जुहेब मिलकर बाबा को प्रेशराइज कर सकते हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम दोनों मिलकर बाबा को थ्रेट कर सकते हो कि अगर उन्होंने तुम दोनों को अपनी कंपनी में शेयर्स नहीं दिए तो तुम ये घर छोड़कर चले जाओगे। मुझे पूरा यकीन है कि पापा ऐसा नहीं होने देंगे। जानते हो बाबा का हर फैसला आजकल हर किस सांटी के मशवरे से हो। मगर ऐसे इस सब का कुछ तो हल निकालना पड़ेगा ना, तुम प्लीज जुहेब से बात करो। तुम्हें लगता है कि उस दिन के झगड़े के बाद वो मुझसे बात करना चाहे? असद बात तो करनी पड़ेगी ना, और तुम दोनों को मिलकर पापा से बात करनी होगी, उनको प्रेशराइज करना पड़ेगा। और अगर तुम दोनों इकट्ठे बात करोगे तो पापा के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। देखो असद, जरूरत के वक्त तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है ना, तुम्हें जुहेब से बात करके उसको बताना पड़ेगा कि इस तरह उसका भी कोई फायदा नहीं होगा, वो सिर्फ पापा की गुलामी करता रहेगा। देखो सुहेब घर आ चुका है और पापा भी पहले से घर पर है, तुम प्लीज अकेले में जाकर प्यार से सुहेब से बात करो, उसको समझाओ। और मुझे लगता है कि जब तुम उसको पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करोगे तो तुम्हारी बात जरूर समझेगा। ठीक कह रही, जानती हो लीजा, कभी कभार मैं सोचता हूं कि अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती मैं क्या करता। अच्छा तुम अब जाकर चेंज कर लो, फिर सुहेब से बात करना, ठीक है?